तो जी हाँ, जय हिंद भाई, सबको स्वागत है फिर से आपका। तो चलिए, आज हम यहाँ पे पार्ट 8 डिस्कस कर रहे हैं। इस हमने 1000 क्वेश्चंस की, 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इसमें वो सभी क्वेश्चंस को हम लेंगे जो TGT साइंस और PGT बायोलॉजी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं, ये 2011 का पेपर है ये, और इससे पहले 7 पार्ट बना चुका हूँ मैं, वो आपको ज़रूर देखने चाहिए जो है, जिसमें हमने लगभग लगभग 200 और 250 के क्वेश्चन के आसपास डिस्कस किए हैं। आज हम 42 से स्टार्ट करेंगे, 41 तक मैं पिछले पार्ट में पार्ट 7 तक डिस्कस कर चुका हूँ। नहीं देखे तो आप उनको ज़रूर देख लें, और ये वीडियो आप तभी देखें अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें TGT साइंस, PGT बायोलॉजी, और जिसमें जैसे NVS हो गया और KVS PGT हो गया, जिसमें जिसमें जो है पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और स्टार्ट करते हैं। और एक और बात आपसे बोलनी है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर अपने साथ एक पेन और जो है एक पेन और कॉपी नोट जरूर करें इन क्वेश्चंस को, तभी आपके लिए फ़ायदे वाले होंगे, फ़ायदेमंद जो है होंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन को इंक्लूड किया है और डिटेल में समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर आपको इनका PDF जो है चाहिए तो नीचे आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री में है। ऐसा नहीं है कि ज्वाइन करने कोई पैसा है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर मैं इनकी वीडियो वो PDF जो है डालता रहता हूँ। चलिए क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइटोक्रोम्स, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइटोक्रोम्स इन ETS, ETS में साइटोक्रोम का करेक्ट सिस्टम क्या है। तो करेक्ट जो सिस्टम है वो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, B, C1, C, A और A। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। साइटोक्रोम ETS क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कहते हैं हम साइटोक्रोम। ठीक है, ठीक है, तो ETS एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है होता है। ETS की क्रिया को ATP का ऑक्सीकरण फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। प्रत्येक ऑक्सीकरण की क्रिया में 2 H जो है रिलीज होते हैं, 2 हाइड्रोजन जो है रिलीज होते हैं, तो ETS जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कहते हैं। सबको पता है कि जो है ये राइबोसोम में जो ये रेस्पिरेशन के दौरान ये रिएक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पेप्टाइड सिंथेसाइज इज इन ए सेल अकर्स, कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है, वो होता है राइबोसोम में। सबको पता है कि पेप्टाइड जुड़े होते हैं प्रोटीन से, और जो प्रोटीन जो एक दूसरे से जिस बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करता है, वो करता है राइबोसोम, इसीलिए राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 44 देखिए, 44 क्वेश्चन नंबर क्या है, 44 है कि हिस्टोन अष्टक में सम्मिलित नहीं है, स्टोन ऑक्टोमर डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं है, H1 क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा H1। हिस्टोन अष्टक में H1 सम्मिलित नहीं है। वुड कोक ने 1973 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से क्रोमेटिन की संरचना देखी थी। प्रत्येक क्रोमेटिन में स्थित मोती के समान संरचनाओं को जो कुछ दूरी पर स्थित होते हैं उनको हम जो है H1 कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहा है, तो ये सब इसमें दिया गया आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कि नंबर ऑफ बार नोडीज इन क्लिनोफिल्टर सिंड्रोम इज, क्लिनोफिल्टर सिंड्रोम में बार काई की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है कितनी, 1। क्लिनोफिल्टर सिंड्रोम में जो जो बार नोडीज होती हैं वो कितने होती हैं, 1 होती है। क्लिनोफिल्टर सिंड्रोम में बार काई की संख्या 1 होती है। क्लिनोफिल्टर सिंड्रोम में जो लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम 2 के बजाय 3 हो जाते हैं, और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है, देखिए यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या जो है इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है जो है हो जाते हैं, तो क्लाइनो ये इसमें दिया गया है। 46 देखिए, म्यूटेशन आर मेनली उत्परिवर्तन अधिकतर होते हैं, क्या होते हैं ये, अधिकतर जो है हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या होता है, किसी की जीन में जो चेंजेस करने को, परिवर्तन करने को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज द मेन पॉइंट ऑफ, उपार्जित लक्षणों के वंशागत किसके सिद्धांतों का मुख्य बिंदु, बहुत ही फेमस ये जो है वो लेमार्क का है। लेमार्क बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिज्म प्राणी जिन
करेक्टर्स को एक्वायर करता है, सीखता है, तो वो उनको जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी ट्रांसफ़र करता है। तो ये यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति लैमार्क के सिद्धांत का मुख्य बिंदु है। जैव विकास की परिकल्पना पर पहला तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने की थी। इन्होंने अपनी बहुत ही फेमस पुस्तक फेमस बुक इन्होंने लिखी थी जिसका नाम था फिलोसफ जियोलॉजिक। ये याद रखिए फिलोसफ जियोलॉजिक है ये, इसमें इस बुक का नाम आप जरूर याद रखिए। ठीक है, 48 देखिए, 48 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में कितने प्रकार के जीन प्रारूप तथा लक्षण होते हैं। इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स विल बी प्रेजेंट। इन मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस में कितने जीनोटाइप और फिनोटाइप होते हैं, तो कितने होते हैं आइए देखते हैं। इसमें होते हैं कितने, इसमें होते हैं ऑप्शन नंबर सी, इसका सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल के जो है द्विसंकर क्रॉस में क्रमशः 9 जीन प्रारूप यानी 9 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप होते हैं। कितने होते हैं, 9 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर पॉसिबल इन ह्यूमन पॉपुलेशन। एबीओ रक्त समूह के लिए मानव समिष्टि में कुल कितने जीव प्रारूप संभव हैं, तो कितने हैं, 6 जो है ये पॉसिबल हैं। ठीक है, एबीओ रक्त समूह के मानव समिष्टि में कुल 6 जीन होते हैं। वर्नेस्टिन ने पता लगाया कि एबीओ रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप मनुष्य का एक अनुवंशिक लक्षण होता है, जेनेटिक करेक्टर होता है, अतः ये संतानों में मेंडल के नियम के अनुसार माता पिता से प्राप्त जीन्स के आधार पर ही विकसित होता है। इसकी वंशागति 2 के बजाय 3 तुलनात्मक लक्षणों के जीन्स अर्थात एलील्स पर निर्भर करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कि विच बेस ऑफ ए कोडोन इज कॉल्ड वोबल बेस। ए कोडोन का कौन सा क्षार वोबल क्षार कहलाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहलाता है थर्ड, कौन सा कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी थर्ड। ठीक है, एक कोडोन का तृतीय क्षार वोबल क्षार कहलाता है। आनुवंशिक संकेत पद्धति में डीएनए के ATGC समाक्षर वाले 1-2 न्यूक्लियोटाइड अणु का संबंध एक अमीनो अम्ल अणु से नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, मैसेल्सन एवं स्टेलन मैसेल्सन एवं स्टॉल यूज्ड विच रेडियो आइसोटोप्स फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। मैसेल्सन और स्टॉल ने अपने प्रयोग के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उन्होंने किया था नाइट्रोजन 15 का उपयोग। मैसेल्सन और स्टॉल ने किसका यूज़ किया था, नाइट्रोजन 15 का। अब उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे देखिए मैसेल्सन तथा स्टॉल ने अपने प्रयोग के लिए नाइट्रोजन 15 रेडियो समस्थानिक का उपयोग किया था आइसोटोप्स का। मैसेल्सन एवं स्टॉल ने नाइट्रोजन 15 के आइसोटोप्स यानी समस्थानिक जो है वाले कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, ई कोलाई को संवर्धित किया। इसी संवर्धन माध्यम में उन बैक्टीरिया को कई पीढ़ियों तक पुनरुत्पादन करने दिया गया और इस तरह से उन्होंने किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 52 क्या है कि इफ़ NRNA molecules contain 15% adenine, then amount of cytosine will be, यदि किसी RNA अणु में 15% adenine है तो उसमें cytosine की मात्रा कितनी होगी, वो होगी 35%, कितनी होगी 35%। यदि किसी RNA अणु में 15% adenine है तो cytosine की मात्रा 35% होगी, ये convention है। ठीक है, तो सबको पता है A प्लस यू 30% के बराबर है, तो G प्लस C 100 माइनस 30 70 हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 35%। 53 देखिए, 53 है कि सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, पौधों का मृदा विहीन संवर्धन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स, क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 54 देखिए कि क्रिएटिन फॉस्फेट इज फाउंड इन, क्रिएटिन फॉस्फेट किस में मिलता है, तो वो मिलता है मस्कुलर टिश्यूज़ में। किस में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी, मस्कुलर टिश्यूज़ में क्रिएटिन फॉस्फेट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 55 क्या है
कि 1 लीटर ऑफ ब्लड कैरीज हाउ मच ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू, 1 लीटर रक्त के द्वारा कितना O2 ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुंचाया जाता है, तो वो पहुंचाया जाता है 200 ml जो है 1 लीटर द्वारा पहुंचाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 56 देखिए, 56 क्या है, 56 है कि ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन सो, खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, एनर्जी लेवल को, यानी एक एनर्जी से एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, वही हमें ट्रॉफिक लेवल दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 57, ग्लेसिना पेल्सिपिलस इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ, ग्लेसिना पेल्सिपिलस किसका जूलॉजिकल नेम है, तो वो है ये TCC फ्लाई का, TCC मक्खी का, ठीक है, ग्लेसिना पेल्सिपस TSE जो है TSE फ्लाई का मक्खी का नाम है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके वो नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, अगर आपको इनका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल है, आप उस वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। 58 देखिए, 58 क्या है, पिक्नोजाइलिस वुड इज फाउंड इन, पिक्नोजाइलिस वुड लकड़ी किसमें पाई जाती है, तो वो पाई जाती है किसमें, पाइनस में, किसमें पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी पाइनस में पाई जाती है। क्या होता है देखिए, जो जिम्नोस्पर्म में संवहन ऊतक अधिक विकसित तो होते हैं, जाइलम वेसल्स तथा फ्लोएम में सिम्बायोसिस सहचर कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, ठीक है, तो ये सब इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, 59 है कि बाथ स्पंज क्या होते हैं, वो होते हैं यू स्पॉन्जिया, क्या होते हैं बाथ स्पंज, वो होते हैं यू स्पॉन्जिया। 60 देखिए, यूस्पोंजिया को बाथ स्पॉन्ज कहा जाता है, किसको कहा जाता है बाथ स्पॉन्ज, यूस्पोंजिया को, यूप्लेक्टेला को विनस के फूलों की टोकरी कहते हैं, यूप्लेक्टेला को विनस के फूलों की टोकरी कहते हैं, जो जापान में उपहार के रूप में नई शादी की जोड़ियों को दी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, गॉसिपियम किस कुल के अंतर्गत आता है, तो गॉसिपियम जो है वो आता है मालवियेसी के कुल में, ऑप्शन नंबर बी किसके अंदर, मालवियेसी के अंदर, तो गॉसिपियम मालवियेसी कुल से संबंधित होता है। गॉसिपियम को सामान्य भाषा में कपास कहते हैं, कॉटन कहते हैं, इसके बीज से तेल निकलता है जिसे बिनौले का तेल कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो खाने व वार्निश बनाने में काम आता है, इस तेल से वनस्पति घी भी बनता है, इसका खल, इसका जो बचा हुआ होता है लास्ट में, उसका उपयोग पशुओं को खाने के लिए किया, खिलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। 61 देखिए, 61 क्वेश्चन क्या है, 61 क्या है देखिए, 61 है कि विच ऑफ दीज डिजीज इज नॉट बैक्टीरियल, इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से नहीं होती, तो कौन सी नहीं होती, देखिए ट्यूबरक्लोसिस तो बैक्टीरिया से ही होती, जैसे हम TB कहते हैं, ये तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि नहीं पूछा है, याद रखना, लेप्रोसी भी बैक्टीरिया से होती है, पोलियो बैक्टीरिया से नहीं होता, पोलियो एक वायरस से होने वाला डिजीज़ है, रोग है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पोलियो रोग विषाणु से होता है, जो पोलियो जो है मेलाइटस वायरस द्वारा, किसके द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट, पोलियो जो है मेलाइटस वायरस द्वारा होता है, इस रोग के विषाणु भोजन एवं जल के साथ बच्चों की आंत में इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं, आंत की दीवारों से होते हुए ये रुधिर प्रवाह के द्वारा मेरु रज्जु बोन में पहुंच जाते हैं, जहां ये विभिन्न अंग और मांसपेशियों को नियंत्रित करते हैं। 62 देखिए, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व इन मेम्ब्रेन ऑफ क्लास, मेटाजेनेसिस किस वर्ग के जंतुओं को देखने में मिलता है, तो किस में मिलता है, वो मिलता है हाइड्रोजोआ में, किस में, हाइड्रोजोआ में। अब ये मेटाजेनेसिस होता क्या है, आइए देखते हैं, मेटाजेनेसिस हाइड्रोजोआ वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलता है, शरीर पॉलीमॉर्फिक या डाइमॉर्फिक होता है, जिसमें जो है पल्प पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, 63, विच ऑफ दीज इज नॉट एन करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, इनमें से मैमल्स का जो है कौन सा लक्षण नहीं है, नॉट बोला है, ध्यान रखना, नहीं है, तो ईयर ऑसिकल्स, क्या मैमल्स में कर्ण अस्थियां नहीं पाई जाती, पाई
कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्णअस्थियाँ स्तनधारियों का लाक्षणिक गुण नहीं है स्तनधारियों का, जबकि अपकेंद्रीय आरबीसी अपरा डायफॉर्म स्तन ग्रंथियों में इनमें पाई जाती है। ठीक है, 64 देखिए, स्फेंडोन जो कि एक जीवित जीवाश्म है किस समूह से संबंधित है, इम्पोर्टेंट स्फेंडोन जो है किस ग्रुप से रिलेटेड है, तो किस वर्ग से रिलेटेड है, वो रिलेटेड है ए यानी किससे, रिकोसिफेलिया से संबंधित है स्फेंडोन, एक लिविंग फॉसिल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्फेंडोना एक जीवित लिविंग फॉसिल है जो रिकोसिफेलिया नामक समूह से संबंधित होता है। 65 देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल साइटोप्लाज्म, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए एक संकेंद्रीय कोशिकाओं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर है 60S आरएनए एक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता, जो है इसमें नहीं ये पाया जाता। 66 देखिए, द टाइप ऑफ लिंकेज फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंधों का प्रकार कौन सा, तो पेप्टाइड बॉन्ड तो पाए नहीं जाते क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड तो मिलते हैं प्रोटीन में, तो गलत हो जाएगा। इसमें आंसर है इसका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है, और उनमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। 67 देखिए कि एक वायरस में पाया जाता है, ए वायरस कंटेन क्या क्या पाया जाता है, तो वायरस में प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 68 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वर्कड ऑन ऑइनोथीरिया लेमार्कियाना, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने ऑइनोथीरिया लेमार्कियाना पर जो है अपना कार्य किया था, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यूगो डी ब्रिज, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, ऑप्शन नंबर सी यूगो डी ब्रिज, फ्रेंच एच डी ब्रिज यानी यूगो डी ब्रिज ने ओइनोथेरा लेमार्कियाना पर अपना जो है वो एक्सपेरिमेंट किया, जो है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन सिद्धांत को यूगो डी ब्रिज ने प्रस्तावित किया था, उन्होंने जंगली पौधा जो इवनिंग प्राइम रोज अर्थात ओइनोथेरा लेमार्कियाना में कई असतत विविधताओं का वर्णन किया जिन्हें उन्होंने उत्परिवर्तन कहा। 69 देखिए, मियोसिस अकर्सिन, मियोसिस किस में होता है, तो मियोसिस किस में होता है, मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल में, जो जर्म सेल होती हैं जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, मियोसिस की घटना पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन सभी जनन कोशिकाओं में होता है, अर्धसूत्री विभाजन सदैव डिप्लॉयड कोशिकाओं में, जो मियोसिस होता है वो हमेशा डिप्लॉयड कोशिकाओं में ही पाया जाता है। फॉर्मर एवं मुरे ने सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में मियोसिस की खोज की, इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य के दो बार विभाजन सम्मिलित होते हैं, इन दो बार के विभाजन में पहला विभाजन मियोसिस प्रथम मियोसिस फर्स्ट या मियोसिस फर्स्ट कहलाता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित से अगुणित हो जाती है, हैप्लॉयड हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मियोसिस जो डिवीजन है इम्पोर्टेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में पाया जाता है, यो एंथर ओव्यूल्स स्पोरेंजिया में होता है, जंतुओं में ये टेस्टिस और ओवरी में होता है मियोसिस। 70 देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, 70 देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स नेवर अंडरगोज एस फेज ऑफ दिस सेल साइकिल, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं कभी भी एस साइकिल में या एस प्रवस्था में प्रवेश नहीं करती, तो कौन सी नहीं करती, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए राइट, यानी कि यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन है कि मनुष्य की तंत्रिका कोशिकाएं कभी भी जो नर्वस न्यूरॉन सेल होती है नर्वस सेल होती है कभी भी एस फेज में प्रवेश नहीं करती। होता क्या एस फेज में, देखिए एस फेज में कोशिका चक्र के कुल समय 30-40% लगता है, इसमें डीएनए अणुओं का रिप्लिकेशन होता है द्विगुणन होता है, अतः इस अवस्था के अंत में केंद्रक में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, साथ ही डीएनए से संबंधित हिस्टोन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है, डीएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, नए बने हिस्टोन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है, नए बने डीएनए व हिस्टोन से दूसरे क्रोमेटिड तंतु बनते हैं, इस
अवस्था में प्रत्येक क्रोमेटिन तंतु की दो प्रतियां बनती हैं जिन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है, तो वो है मोनेरा से, किससे, मोनेरा से संबंधित है माइकोप्लाज्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये माइकोप्लाज्मा वाला। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, 72 क्या है कि असेक्चुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडियल अकर्स इन, कोनिडिया द्वारा अलिंग जनन किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है पेनिसिलियम में, किस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलियम में पाया जाता है, ठीक है। 73, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट इन, किस में अब्सेंट होता है, तो वो अब्सेंट होता है किस में, सी किस में, ड्यूटीरोमाइसिटीज में जो है लैंगिक जनन अब्सेंट होता है। कवकों को माइकोसिस्ट द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, अधिकांश वर्गीकरण कायिक संरचना, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, बीजाणुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पोर, स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर और जीवन चक्र पर निर्भर होता है। वर्ग ड्यूटीरोमाइसिटीज में कवक तंतु पटयुक्त होते हैं तथा अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में नहीं पाया जाता। 74 देखिए, जेनेटिक कोडोन फॉर फॉर्मुलेटेड मेथेनोइक मेथोनोइन इन बैक्टीरियम इज, एक जीवाणु में फॉर्मुलेटेड मेथिनियोनिन या नियोनिन के लिए आनुवंशिक कोड कौन सा होता है, तो वो होता है आनुवंशिक जो कोड होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी AUG, कौन सा होता है AUG, ठीक है। 75 देखिए कि पेप्टिडोग्लाइकन इज प्रेजेंट इन, पेप्टिडोग्लाइकेन उपस्थित होता है, किसमें उपस्थित होता है, तो वो उपस्थित होता है ऑप्शन नंबर सी किसमें, वो होता है सेल वॉल ऑफ मेनी बैक्टीरिया, बहुत से जीवाणु की कोशिका भित्ति में वो पाया जाता है, बहुत से जीवाणु कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकोन उपस्थित होता है। जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की संरचना यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बनी होती है, कोशिका भित्ति प्रबल व दृढ़ होती है, ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु की भित्ति की मोटाई व रासायनिक संरचना में अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ए नॉन साइक्लिक फोटोन फॉस्फोराइलेशन इज, अचक्रिय प्रकाश में अभिक्रिया फोटो फॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, कौन होता है, वो होता है NADP+, ठीक है। अचक्रिय प्रकाश संश्लेषण यानी नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस में फोटो फॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन ग्राही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम कौन करता है, NADP। इसमें पिगमेंट तत्व द्वितीयक उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निष्कासित होकर पहले कुछ अज्ञात पदार्थों क्यू तथा बी द्वारा ग्रहित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी ATP कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वन एसिटाइल कोएंजाइम इन क्रेव साइकिल, क्रेव साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम से कुल कितने ATP बन सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 12 ATP बन सकते हैं, कितने 12 ATP जो है बन सकते हैं, क्रेव चक्र में एसिटाइल कोएंजाइम ए से कुल 12 ATP बनते हैं, कोशिका में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीजन से 38 ATP के लगभग अणु बनते हैं। 78, विच हार्मोन कैन कॉज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, किस हार्मोन से जो है स्टोमेटा बंद होते हैं, वो होते हैं ABA एब्सेसिक एसिड, ABA हार्मोन रंध्रों को बंद कर देता है, एब्सेसिक एसिड पत्तियों फलों एवं फूलों में विलगन पत्र एब्सेसिकन लेयर का निर्माण करके जो है इसको इसमें सहायता करता है, ठीक है। 79, एट विच प्लेस डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट्स, ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है, तो वो होता है बक्कल कैविटी से, मुख गुहा से जो है हमारे मुंह में जो है ग्लूकोज का पाचन डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, विच इज़ द टाइम गैप बिटवीन टू हर्ट साउंड, व्हाट इज़ द टाइम गैप बिटवीन टू हर्ट साउंड, हृदय की दोनों आवाज़ों के मध्य कितना समय अंतराल होता है, तो वो होता है लगभग 0.8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए, यानी दो हार्ट बीट के बीच में 0.8 सेकेंड का समय होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।